जो भी खाना हम खाते हैं, हमारे मुंह में जो भी खाना होता है वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो कि माउथ में स्टार्ट होता है। उसके बाद खाना जो है वो स्टमक में पहुंचता है। तो ये जो खाना स्टमक में पहुंचा हुआ है वो एक मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आपने खाया मुंह में खाना और सीधा गटक करके जो है वो पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है। कि एक प्रोसेस होती है जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में एंड फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑल्सो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी गुड, वेरी आई थिंक न्यू, नॉट न्यू बट वेरी गुड क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। वन थिंग, मैं एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका बोर्ड है उसमें ये एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। चले अब देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थान चेंज कर लेना, मतलब जगह चेंज कर लेना या ट्रांसफ़र हो जाना किसी भी चीज़ का। तो ये जो जगह चेंज हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है। देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन जो हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ, इस तरीके से जो है वो बॉडी में आपके खाना मूव करता है। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पर खाना खाया, सही है, माउथ के थ्रू आपने खाना यहाँ से स्टार्ट किया। जो खाना मुंह में होता है उस खाने को कहा जाता है बोलस, जो खाना मुंह में होता है उस खाने को कहा जाता है बोलस, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से निकल के आ गया। दूसरा चीज़ आपको यहाँ से ये पता चल गई कि माउथ को जो लिप्स होते हैं उनको माउथ कहा जाता है, अंदर का जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है ओरल कैविटी, और उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी, और उसको कहा जाता है माउथ कैविटी, और इसको बक्को फेरेंजियल कैविटी भी कहा जाता है। खैर ये तो आगे की बात है, बट अभी तो यहाँ मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब आपने खाना यहाँ माउथ के थ्रू यहाँ पर खाना खाया, तो ये जो लीड आगे एक्सटेंड करेगी ये जो पाइप, अब इसमें जो है वो खाना नीचे की तरफ जाएगा। तो जब खाना नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो पाइप है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। ये जो मसल्स होती हैं यहाँ पे, इसके चारों अंदर जो मसल होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, ऐसे करते करते आपका खाना जो है वो स्टमक में पहुंच गया। अब जब पेट में खाना पहुंच गया, यहाँ पे भी डाइजेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो इंटेस्टाइन में भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के ही जाता है खाना। जो खाना जब आपके मुँह में था तो उसको हमने कहा कि बोलस कहा जाता है, फिर जो खाना आपके स्टमक में चला गया उस खाने को कहा जाता है काइम, CHYME। जब आप MBBS की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो अभी तो हम 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉर्मल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो खाना स्टमक में चला गया उसको क्या कह दिया हमने, काइल कहा। अब क्या हुआ कि जो खाना यहाँ से स्टमक के बाद इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाती, तो जो खाना इंटेस्टाइन में होता है उस खाने को कहा जाता है काइल, CHYLE, काइल। तो काइम हो गया और काइल हो गया। तो खाना खाने की तीन फेजेज हो गए। सबसे पहला खाना जो माउथ में था, जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उसके लिए एक एंजाइम हमने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, जिसको एमाइलेज कहा जाता है, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है, जो माल्टोज में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद खाना यहाँ पे ओसोफेगस में गया, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे ना तो कोई एंजाइम रिलीज होता, बस और बस सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मसल जो है वो मूव करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो जो खाना यहाँ पे था उसको बोलस कहा हमने, फिर जो खाना स्टमक में चला गया उसको हमने कह दिया कि जो खाना स्टमक में चला गया है उसको कह दिया हमने ये है काइम। उसके बाद जो खाना इंटेस्टाइन में चला गया हमने उसे कह दिया ये है काइल, और जो जिस मूवमेंट से गया था जैसे मूव कर रहा था उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यही जो कॉन्ट्रैक्शन है, यही जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और अगर आपको आंसर के फॉर्म में चाहिए तो आंसर यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल
दैट टेक्स प्लेस ऑल अलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल, जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन है जो सारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपको खाने को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अब आपने खाना मुँह में खा लिया है, तो मुँह में खाना पड़ा रहेगा तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। इंटेस्टाइन में जो खाना जब तक नहीं जाएगा, जब तक कम्प्लीट डाइजेशन नहीं होगा, जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब तक टिल देन यू कांट गेट एनर्जी। सो ये हेल्प करता है पुश करने के लिए, ताकि खाना जो है वो आगे जा सके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये डिड यू नो का एक फन फैक्ट था, और इम्पॉर्टेंट भी था कि वाटर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ आ गया होगा आपको। और दूसरी चीज़ आपकी यह है कि इसका आंसर मैंने फॉर्म लिख दिया है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।